यस ठीक है, चलिए। तो ये देखिए बेस है सबसे पहले। देखिए अब आप इस साल बहुत सारी ज्योमेट्री पढ़ोगे और आप क्लास 6 और 7 से पढ़ते भी आ रहे हो ज्योमेट्री अलग अलग फॉर्म में, जिसमें आपने सबसे पहले बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स पढ़े। याद है बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स क्या पढ़े थे हमने? ज्योमेट्रिकल शेप्स क्या होते हैं, क्या क्या पढ़े हैं आपने? अरे सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये पढ़े हैं ना आपने बच्चों? क्या आपको आवाज आ रही यस है? ठीक यस है, तो ये सब आपने शेप्स पढ़े हैं। तो देखिए अब यहाँ पे अब थोड़ा उसका जो बैकग्राउंड है वो जान लेते हैं कि वो शेप्स कहाँ आए, कहाँ से आए, क्यों पढ़ते हैं हम, क्या जरूरी है इन सब चीज़ों के लिए। तो ये देखिए बुक्स में, देखिए आपके बुक्स में अंडरलाइन भी करते रहिए, ठीक है। ये एक तरह से आपको यहाँ पे हिस्ट्री, ठीक है, और कैसे मैथमेटिक्स आपकी जो अभी है वो कैसे बनाई गई है उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये देखिए पहला शब्द क्या लिखा हुआ है, जियोमेट्री जो शब्द है इसी के बारे में बता रहा है कि शब्द कहाँ से आया है। बताओ भाई, पढ़ो इसको और बताओ क्या लिखा हुआ है, जियोमेट्री कहाँ से आया है? द वर्ड ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जियो मीन्स द अर्थ एंड द मेट्री मीन्स द मेजर। मेजर, ठीक है। ज्योमेट्री जो शब्द है अपीयर हुआ है मेजरिंग द नीड फॉर मेजरिंग लैंड। आपको पता है पुराने ज़माने में ज़मीनों, ठीक है, अभी भी यही होता है, ज़मीनों को मेजर किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ से ये वर्ड को डिराइव किया गया है। तो ये देखिए जितनी भी पुरानी एंशंट सिविलाइजेशंस थी, चाहे वो इजिप्ट की हो, चाहे वो बेबीलोनिया की हो, चाहे वो चाइना की हो, चाहे इंडिया की हो, चाहे ग्रीस की हो, ठीक है, इंकास की हो, हर जगह हमने क्या देखा कि वहाँ पे ज्योमेट्री जो, ठीक है, ज्योमेट्रिकल नॉलेज थी। जैसे इजिप्ट में, इजिप्ट में क्या फेमस है इजिप्ट के? पिरामिड्स हाँ फेमस है, राइट, हाँ है ना, पिरामिड्स फेमस है, ठीक है। वो पिरामिड हम पढ़ चुके हैं आपको, मैंने स्कूल में जब आप आते थे तब मैंने दिखाए थे पिरामिड्स, है ना, स्क्वायर पिरामिड्स, ट्रायंगल पिरामिड्स, ठीक है। इजिप्ट में पिरामिड्स पाए जाते हैं, सूडान में पाए जाते हैं, ठीक है। इंडिया में भी ज्योमेट्रिकल शेप्स बहुत एंशंट सिविलाइजेशन में यूज़ होती थी। अच्छा, ग्रीस में भी, बेबीलोनिया में। बेबीलोन कहाँ पे पता है आपको? बेबीलोन कहाँ पे है? बेबीलोनिया बोल रहे हैं तो ये कहाँ नो पे है? सर नहीं पता। एनीवन? नो सर इराक में, ठीक है, इराक के साइड है ये। क्या ये भी पुरानी एक सिविलाइजेशन हुआ करती? तो हर जगह हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे ज्योमेट्री का बहुत तगड़ा यूज़ होता था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, तो आपने हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो सुना है नाम? हड़प्पा की यस सर सभ्यता, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता, कलेक्टिवली इनको क्या कहते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। वैलीज पढ़ लिया आपने ज्योग्राफी में? वैलीज क्या होती हैं? ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा को कहते हैं, मोहनजोदाड़ो को कहते हैं, एट्सेट्रा। तो बहुत सारी पुरानी साइट्स पाई गई हैं। आपको पता है हड़प्पा मोहनजोदाड़ो के बारे में कि नहीं पता? पहले तो ये बताओ। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो है कहाँ पे अभी, राइट नाउ करेंटली कौन से देश में पाए जाते हैं, कौन से देश में है ये? इंडस नदी कौन से देश में है, मोस्टली कौन से देश में है अभी? करंट इंडिया में कार्तिक दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो? सर हड़प्पा पाकिस्तान में है, हाँ, हड़प्पा जो है, मोहनजोदड़ो जो मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में सर। पाकिस्तान में है, इंडस वैली जो है, इंडस नदी देखिए मेजोरिटी जो है पाकिस्तान में ज़्यादा बहती भारत में है, भी है थोड़ी, ठीक हाँ है, थोड़ी भारत सी, में भी है। हाँ, इंडिया से ओरिजिन होता है उसका और वो पाकिस्तान की तरफ जाती है, तो ये वहीं पे इंडस वैली सिविलाइजेशन है। देखिए इंडिया में भी कई सारी साइट्स पाई गई हैं, गुजरात में, राजस्थान में, ठीक है, तो इंडिया में भी है इसका पार्ट, बट मोस्टली जो बहुत बड़े शहर थे पुराने ज़माने के, एंशियंट सिविलाइजेशन के, वो थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इंडिया में भी थे मगर वो छोटे थे थोड़े से, ठीक बर्बाद हो गया सर। है, सारा बर्बाद हो गया 3000 BC के अराउंड, सेम टाइम जब इजिप्ट में पिरामिड बनाए जा रहे थे उसी टाइम पे ये सिविलाइजेशन भी थी इंडिया में। तो इन्होंने बहुत अच्छी सिटी बना रखी थी, उन्होंने प्लान्ड थी इनकी, इनकी रोड्स हुआ करती थी, ठीक है, रोड्स हुआ करती थी, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था वहाँ पे, यानी उनके पास नालियां भी थी, इतना बढ़िया सिस्टम बना रखा था।
ठीक है, उनके घर जो होते थे उनमें रूम्स होते थे, आपने देखा होगा हिस्ट्री की किताब में, आपके फोटोज छपी हुई होंगी उसमें, ठीक है। तो और वहाँ पे जो ईंटें पाई जाती थी, ठीक है, सारी की सारी, जैसे आपने भट्ठा देखा ईंट का जहाँ पे ईंटें बनाई जाती हैं, यस सर, ठीक है, उस तरह की ईंटें थी। और उन सब में देखिए रेशियो बराबर था लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का, जो थिकनेस थी उनका रेशियो था 4:2:1, यानी उनको भाई अच्छी नॉलेज थी ज्योमेट्री की। मोहनजोदड़ो में लेन देन होता था। हाँ, मोहनजोदड़ो ये सब देखिए पुराने जमाने में क्या होता था। एक बार बच्चों एक बार होल्ड करो, एक बार थोड़ा होल्ड करिए। हाँ, सर मोहनजोदड़ो में लेन देन होता था हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो में, तब पैसे हाँ, नहीं थे ना। पैसे नहीं थे, लेन देन होता था, ठीक है। पुरानी सोसाइटी जो थी वो बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है, जानवरों में ही ट्रेड होता था उनका, कुछ लेते थे बार्टर सिस्टम, ठीक है, रुपए रुपए भी चलते थे पर कम चलते थे वो तो, ठीक है। तो ये देखिए, अब इंडिया में आते हैं, ठीक है, इंडिया में हड़प्पा सिविलाइजेशन हो गया। अब देखिए इंडिया में भी किताबें लिखी गई हैं, ये देखिए इस शास्त्र का नाम लिखा हुआ है, जिसमें पुराने टाइम में देखिए शास्त्र लिखे जाते थे, सूत्र लिखे जाते थे, ठीक है। तो उसमें संस्कृत में कई सारी मैथमेटिकल नॉलेज लिखी जाती थी, अभी भी आप चाहो तो देख सकते हो उसमें। तो यहाँ पे देखिए एक सुलभ सूत्र है, सुलभ सूत्र, ये 800 BCE to 500 BCE में लिखे गए थे, संस्कृत में लिखे गए थे। तो उसी को देखिए वैदिक पीरियड कहते हैं। उसमें देखिए मैनुअल दी हुई थी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस बनाने की। आप अगर देखते होंगे दिवाली पे, दिवाली पे हम बनाते हैं कई सारे ज्योमेट्रिकल, रंगोली बनाते हैं ना सभी, कई लोग सर। रंगोली बनाते हैं, तो वो एक तरह की देखिए ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन हो गई। ऐसे के लिए देखिए वैदिक जो ये सब किताबें होती हैं इनमें कई सारे आपने ऐसे सिंबल्स देखे होंगे, देखें, यस सर। ठीक है, श्री यंत्र बोलते हैं इसको। तो ये सब किताबों में लिखे हुए थे इनको कैसे बनाना है, जो श्री यंत्र होते हैं आई थिंक ये आइसोसेलेस ट्रायंगल से मिलके बनते हैं बहुत सारे, ठीक है, उनसे मिलके। तो इनकी सब कंस्ट्रक्शन जो थी दी हुई है किताबों में, जो सुलभ सूत्र है इसमें दिया हुआ है, तो ये बहुत पहले से पढ़ाए जा रहे हैं। तो पहले क्या होता था, ये जब जो सूत्र होते थे ये वर्बली बोले जाते थे श्लोक के फॉर्म में, समझ में आई, यस सर। वर्बली हो गया या किसी पत्ते पे लिख दिया है, तो ऐसे बताया जाता, तो ऐसे पास डाउन होता था। राइट नाउ अभी कैसे पास डाउन हो रहा है, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप सीखोगे, ठीक है, जब आप बड़े हो जाओगे तो आप किसी और को सिखाओगे। तो ऐसे पास तब से लेके देखिए अब तक ये चला आ रहा है, 800 BCE टू लेके अभी तक,
राइट नाउ सब कुछ चलता आ रहा है। आप अगर अभी करवा चौथ आएगा या कुछ आएगा तो उसमें देखना ये सिंबल आपको कहीं ना कहीं दिखेगा, वन फॉर्म या किसी और फॉर्म में आपको जरूर दिखेगा ये, ठीक है। तो ये सब देखिए पुराने जमाने की मैथमेटिक्स है, ज्योमेट्री है। तो इसमें देखिए अब यहाँ पे आते हैं ग्रीस वालों पे। ग्रीस पता है कहाँ पे है? ग्रीस सुना है क्या है? देश है कहाँ पे है? कौन से कॉन्टिनेंट में? यूरोप में सर। आर यू श्योर? बाकी बच्चे ग्रीस यूरोप में कहाँ पे है? बाकी बच्चों बताओ कहाँ पे है ग्रीस? एशिया में है कि यूरोप में? यूरोप में सर। यूरोपियन कंट्री है। यहाँ का जो फेमस राजा था अलेक्जेंडर, जिसको सिकंदर भी कहते हैं, है ना, वो आ गया था यहाँ तक। कौन सी नदी तक आके वो वापस चला गया था? वो बताइए जरा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, सिकंदर अलेक्जेंडर, उसने इंडिया के कौन से राजा से युद्ध किया था, फिर वो वापस चला गया। उस राजा का नाम नहीं पता आपको? पोरस के साथ युद्ध, रानी के साथ सर। पोरस के साथ युद्ध हुआ था उसका, ठीक है। और वो अंदर नहीं घुस पाया इंडिया के, ठीक है। उसके लोग भी डर गए थे कि इंडिया वाले जो है अंदर, जो इस साइड जो राजा थे वो बहुत पावरफुल थे, ठीक है। तो वो वापिस चला गया वहाँ से, वो उसने सिंधु उसे नदी पूरी के, दुनिया हाँ, पे कब्जा करना था सर। और वो बेबीलोन में जाके मर जाता है, ठीक है। बेबीलोन वापिस जब जाता है तो बेबीलोन में जाके उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो जो ग्रीस वाले थे, ठीक है, इन ये जो थे रीजनिंग के पीछे पड़े हुए थे, मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। क्यों कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करती हैं और कुछ नहीं करती हैं, ठीक है। तो ट्रूथ के पीछे भागते थे। जितने भी अभी आप वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ते हो तो उसमें ग्रीक्स ही होते हैं, वो उन्हीं को पढ़ाया जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं, वेस्टर्न फिलॉसफर एरिस्टोटल हो गया, और नाम पता है आप लोगों को, ठीक है। तो वो इनकी फिलॉसफी होती थी बेसिकली, सच के पीछे भागते थे कि सच क्या है। तो उसी से देखिए वहाँ पे एक मैथमेटिशियन था थेल्स। तो कोई जैसी स्टेटमेंट बोली मैंने, ठीक है। तो अब इस साल देखिए आपको क्या करना होगा, उन स्टेटमेंट्स को प्रूव करना होगा, प्रूफ लिखने होंगे आपको बहुत सारे। इस साल आपको प्रूफ बहुत ज़्यादा लिखने होंगे 9th क्लास में। तो ये देखिए सबसे पहला नोन प्रूफ किसने लिखा था, वो थे थेल्स, ग्रीक मैथमेटिशियंस थे। इस साल आप पढ़ोगे थेल्स थ्योरम, इन्हीं के नाम पे ये थ्योरम है। तो इन्होंने सबसे पहला नोन प्रूफ दिया था, ठीक है। तो कोई भी स्टेटमेंट जैसे आप बोलते हो, ठीक है, वो तब तक सच नहीं मानी जाएगी जब तक उसको प्रूव नहीं किया जाएगा। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? चलिए सर भाई स्क्रीन चली गई। सर तो यस सर वही थेल्स की बात चल रही थी, थेल्स कहाँ गए? थेल्स 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 जी कहाँ गए? ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहला मैथमेटिकल नॉन प्रूफ दिया। अच्छा, उस जमाने में उसके बाद देखिए एक मैथमेटिशियन आया यूक्लिड, ठीक है। ये भी ग्रीक था।
अब देखिए जो ग्रीस था ना उसने कब्जा कर रखा था बहुत सारी जगहों पे, तो उसमें इजिप्ट भी था। तो इजिप्ट में थी उस टाइम की सबसे बड़ी लाइब्रेरी अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी, ठीक है। तो उसने क्या किया यूक्लिड ने, उस टाइम में जितनी भी मैथमेटिकल नॉलेज थी, उस टाइम की जितनी भी मैथमेटिकल नॉलेज थी सबको कंपाइल किया उसने। उस किताब का उसने नाम क्या रखा, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स नाम रखा। उन एलिमेंट्स में ठीक है 13 चैप्टर्स थे और उस टाइम की जितनी भी ज्योमेट्रिकल नॉलेज थी सबको उसमें डाल दिया, ठीक है। तो अलेक्जेंड्रिया जो है इजिप्ट में है, वहाँ की लाइब्रेरी में इसने एक किताब लिखी, ठीक है। अब देखिए, अब आपने पढ़ा होगा, देखिए ग्रीक्स, आप ग्रीक आर्किटेक्चर देखिए, कई सारी इन्होंने पुराने ज़माने में चीज़ें बनाई हुई थी, तो उसको एक बार देखिएगा, ठीक है। तो ये देखिए, द ग्रीक मैथमेटिशियंस ऑफ यूक्लिड्स टाइम थॉट ऑफ ज्योमेट्री एज एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। जो ज्योमेट्री थी ये एब्स्ट्रैक्ट मॉडल थी। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब समझते हैं आप क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट। देखिए जितनी भी मैथमेटिकल नॉलेज हुई है वो सारी की सारी देखिए डिराइव करी गई है आसपास की चीज़ों को देख के। इन रियलिटी देखिए मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, जो रियल वर्ल्ड है उससे बस थोड़ा सा रिजेंबल करते हैं, ठीक है। ये एक सोच पे आधारित है बस, ठीक है। इसको बनाया गया, जितनी भी मैथमेटिक्स है सबको बनाया गया है इंसानों द्वारा, ठीक है। इन रियलिटी अगर आप देखोगे आपको लाइन कहीं नहीं दिखेगी, आपको एक लाइन जो है रियल वर्ल्ड में कहीं नहीं दिखेगी। अगर इस लाइन को मैं जूम कर दूं बहुत ज़्यादा, देखिए इतनी सी जो छोटी सी लाइन सेगमेंट है, इसको अगर मैं जूम करूंगा तो ये मेरे को एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। तो इन रियलिटी लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है बच्चों, याद रखना। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है लाइन का, ये आपको रियल वर्ल्ड में कहीं नहीं दिखेगा। सिमिलरली पॉइंट, जो पॉइंट होते हैं, पॉइंट होते हैं, देखिए ये एक पॉइंट है, देख रहे हो, ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट को अगर मैं जूम करता हूँ, देखिए जो पॉइंट है, तो ये एक हमें क्या, कौन सी शेप नज़र आएगी अगर मैं इस पॉइंट पे जूम करता हूँ, तो ये मुझे कौन सी शेप नज़र आएगी बड़ा करने के बाद, सर्कल सर्कल जैसा दिखाई देगा ना, सर्कल जैसा दिखाई देगा, है ना। तो एक सर्कल जैसा दिखाई देगा। इन रियलिटी आप पॉइंट को इस रियल वर्ल्ड में नहीं देख सकते, है ना। जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बेसिकली एक सर्कल है ये छोटा सा, इसको जूम करूंगा तो दिखाई देगा बड़ा सा सर्कल, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। लाइन हो गई, पॉइंट हो गया, ये क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं, लाइन पॉइंट सरफेसेस, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड जो है इसके जैसा ही होता है बट एग्जैक्टली नहीं होता, ये याद रखना, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड और एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, वर्ल्ड जो है उसमें थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। तो ये देखिए यूक्लिड ने कुछ डेफिनेशंस दी थी उसने, ठीक है। तो पॉइंट के बारे में कह रहा है, अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। पॉइंट का कोई पार्ट नहीं होता, ठीक है, ना ही कोई डायमेंशन होता है। पॉइंट जो होता है जीरो डायमेंशन ऑब्जेक्ट है। लाइन, लाइन क्या होती है, लाइन एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसमें ब्रेड्थ नहीं होती, ब्रेड्थ नहीं होती, ये सिर्फ लेंथ लेंथ होती है। अब देखिए इन सब चीज़ों को सिर्फ आप अपने दिमाग में सोच सकते हो, आपको रियल वर्ल्ड में कहीं नहीं दिखाई देंगे, ना लाइन कहीं दिखाई देगी ना कभी पॉइंट दिखाई देगा। हाँ उसकी अप्रोक्सीमेशन ज़रूर देख सकते हो, ये जो चीज़ है यहाँ पे मैंने ड्रॉ करी है ये एक पॉइंट को डिनोट कर रही है, बट ये पॉइंट नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको जूम करते हैं तो एक सर्कल दिखाई देता है हमें। उसी तरह देखिए ये जो लाइन बना रखी है ये इन रियलिटी लाइन नहीं है, इसको जूम करेंगे तो हमें एक बहुत लंबी चौड़ी सी स्ट्रिप दिखाई देगी। और उसने क्या किया है, एक लाइन, उसने कहा क्या है, लाइन एक ब्रेथलेस होती है ऑब्जेक्ट होती है जिसमें ब्रेथ नहीं होती, सिर्फ लेंथ लेंथ होती है। अच्छा उसके बाद देखिए थर्ड उसने क्या कहा, एक्सियम, सॉरी थर्ड पॉइंट उसने क्या कहा, द एंड्स ऑफ द लाइन आर पॉइंट्स। जो लाइन के जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद कहा उसने फोर्थ में, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इट सेल्फ। एक स्ट्रेट लाइन क्या होती है, जिसके सारे के सारे पॉइंट्स इवनली लाई करते हैं, ठीक है। सरफेस क्या होती है, देखिए विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। सरफेस एक ऐसी ऑब्जेक्ट जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती है बस,
और जो सरफेस की एजेस होती हैं वो लाइंस होती हैं, जो सरफेस होती हैं उसकी एजेस लाइंस होती हैं। अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद अ स्ट्रेट लाइन ऑन इट सेल्फ। एक प्लेन सरफेस क्या होती है, देखिए, जिस पे सारी सारी स्ट्रेट लाइंस लाई करती हैं उसके ऊपर, वो एक प्लेन बनाती हैं मिलके। तो ये देखिए क्लास 12th का कॉन्सेप्ट है, ये बस आपको थोड़ा बहुत समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये देखिए नेक्स्ट आते हैं जो मेन टॉपिक है। अब ये देखिए, अब आप एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें देखें होती क्या है, इन रियलिटी एब्स्ट्रैक्ट क्या होती है। देखिए अब आप मेरे को ये बताओ, इन दोनों में से कौन से नोट की वैल्यू ज़्यादा है, बताइए। 2000 2000 2000 2000। टू थाउजेंड। अच्छा, जी इसकी वैल्यू ज़्यादा है। ओहो, अच्छा इसकी वैल्यू ज़्यादा है। अच्छा ये नोट कब आए थे, कौन से ईयर में आए थे फर्स्ट टाइम? 2017 2017 2017 देखिए 2016 में नोटबंदी हुई थी, ठीक है, 2017 में आए, आपने बिल्कुल सही कहा, ठीक है, 2017 में नए आए थे ये नोट। तो आपको पता चल गया कि ये 2000 का नोट जो है ज़्यादा वैल्यू रखता है ना। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, ये पुराना 500 का नोट है, ये नया 500 का नोट है, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है? सर, नए नए वाले की वाले वैल्यू की ज्यादा है। नए अरे वाले तो को बंद कर दिया वैल्यू सर, नीचे वाली नई कोई नहीं है लेगा पुराने और वाले ऊपर को। वाली पुरानी। तो क्यों, इसकी वैल्यू क्यों ज़्यादा है? दोनों पे 500 500 लिखा हुआ है, तो बराबर नहीं होनी चाहिए दोनों सर की दोनों वैल्यू? की वैल्यू सर वो दोनों पहले की वाली वैल्यू बैंड पुरानी चुकी है ना, हो बंद हो चुकी गई इसलिए वो पहली वाली बैंड हो चुकी है ना। है। वैशाली कह रही है पुरानी वाली बैंड हो चुकी है, तो उससे क्या हुआ फिर? उसे कोई वैल्यू नहीं है सर, पुराने वाले रुपए की कागज कोई का वैल्यू नोट नहीं है ना। तो यही है, देखो एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट देखिए, यही है आपके दिमाग में। पहले ये जो था 2016 तक इस नोट की वैल्यू थी, है ना, आपके दिमाग में वैल्यू थी, इससे आप जाके चीज़ें खरीद सकते थे, ठीक है। 8 नवंबर को क्या होता है कि ये लीगल टेंडर नहीं होते, इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो इस पे वैल्यू क्या हो गया इसमें, कागज तो सेम है ना, कागज तो सेम है, तो इसकी वैल्यू क्यों नहीं रही आपके हिसाब से, क्या लगता है सर, इसकी, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया सारी जगह। है ना? यस सर, बैन करते ही इसकी देखिए वैल्यू खत्म हो गई। पहले क्या था, सबने माना हुआ था कि ये लीगल टेंडर है, तो इसकी वैल्यू थी। अब सबने क्या मान लिया, इसकी ये लीगल टेंडर नहीं है, तो इसकी वैल्यू जीरो हो गई, है ना, 0 रुपीज़, ये कागज की तरह हो गया। अब इसको आप बेशक से जला दो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। अब ये एक नया कागज, ये एक नया कागज आ गया, इसको सबने माना कि भाई इसकी वैल्यू होगी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 500 रुपए के बराबर होगी। सर तो यही देखो एक, नहीं हाँ तो यही बच्चों देखो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ यही होती है, समझ में आ रहा है? एब्स्ट्रैक्ट को समझ पा रहे हो क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट चीज़? सबने सर, माना, इसने सबने माना कि भाई इसकी इसकी वैल्यू होगी और इसकी वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, ये मान रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, ये पुराने जमाने के सिक्के हैं हड़प्पा काल के, अब बताओ इसमें से किसकी वैल्यू ज्यादा है? इसमें से सर 208 वाले की वैल्यू ज्यादा है। 208? अरे वो बस इसकी सीरियल नंबर है, वो उसका कोई उसकी वो नहीं है, वो सीरियल नंबर है बस उसका, ठीक है वो। सर इसकी वैल्यू ज्यादा है शायद, के किसके, के वाले की, के क्यों वाले की के क्यों ज़्यादा है भाई, इस उससे बुल बना है सर। पे बुल बना है? अच्छा, और अच्छा सर इन सब में राइनो है, इसमें बुल प्लस राइनो है। अच्छा उसकी वैल्यू ज़्यादा है। इन रियलिटी देखिए किसी को नहीं पता अभी तक कि इसमें से किसकी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो कोई आप में से जैसे कोई कह रहा है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, कोई कह रहा है इसकी वैल्यू ज़्यादा है, कोई कह रहा है इसकी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो किसी को नहीं पता कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है। ये 3000 साल पहले ये सिक्के चलते थे, और वो लोग इसकी क्या वैल्यू रखते थे हमें आज तक नहीं पता चली। तो ये हमारे लिए सिर्फ एक पत्थर के बराबर है, ठीक है। जैसे पता चला कि इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी कुछ मानी जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये देखिए ये चीज़ है, यहाँ पे समझिए। अब देखिए, अब ऐसे ही देखिए यूक्लिड ने, जैसे आपने यहाँ पे माना
इस वाले एग्जाम्पल में इस वैल्यू, इस रुपए की वैल्यू नहीं होगी, इस रुपए की वैल्यू होगी, ऐसी देखिए हम कुछ चीज़ें मैथमेटिक्स में मानते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें हम मानते हैं कि ये ठीक है। तो ये देखिए, यूक्लिडियन एज्यूम्ड सर्टेन प्रॉपर्टीज विच वर नॉट टू बी प्रूव्ड। यूक्लिडियन ने कुछ चीज़ें मान ली जिसको प्रूव नहीं किया जा सकता, ठीक है, वो मान लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या बोलते हैं, ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। तो उसने उसको देखिए दो भागों में बांटा, उसको लिखा उसने एक को पोस्टुलेट्स और एक को लिखा उसने एक्जियम्स। पोस्टुलेट्स, ठीक है, ये देखिए पोस्टुलेट्स जो थे, पोस्टुलेट्स एंड एक्जियम्स दोनों ही क्या थे, दोनों ही सेल्फ एविडेंट ट्रूथ थे। सेल्फ एविडेंट ट्रूथ क्या बोलते हैं इनको, सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, या तो कहते थे ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ, ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, ट्रूथ ही है ये। अब आप इसको प्रूव कैसे करोगे, अब ये ट्रूथ है ना, ट्रूथ है तो है, ये इसको मानना ही पड़ेगा, इसको आप प्रूव नहीं कर सकते कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, क्या है, इसको हमने माना है, ऑब्वियसली ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो पोस्टुलेट, दोनों का मीनिंग सेम है, देखिए दोनों का, पोस्टुलेट और एक्जियम का, दोनों का मीनिंग सेम है, मगर पोस्टुलेट क्या होता था पुराने ज़माने में, ज्योमेट्री के सेंस में यूज, ज्योमेट्री के उसमें फील्ड में यूज़ होता था, और ये रेस्ट ऑफ द मैथमेटिक्स में यूज़ होता था, रेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स में। समझ में आई बात इतनी, एक्जियम कहाँ यूज होता था, रेस्ट ऑफ ज्योमेट्री में, रेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स में, और पोस्ट, मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री ठीक है, पोस्टुलेट्स किसमें, सिर्फ ज्योमेट्री में यूज करते थे, ठीक है, पोस्टुलेट्स। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, ठीक है, तो एक्जियम्स और पोस्टुलेट्स में ये समझिए। राइट नाउ क्या होता है ना, आजकल की मैथमेटिक्स में दोनों को यूज कर लेते हैं, पोस्टुलेट एक्जियम्स को, ठीक है, इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पे कुछ यूक्लिड के एक्जियम्स की एक्जियम्स दिए हुए हैं, देखिए यूक्लिड ने एक्जियम्स भी दिए हुए थे। तो पहला एक्जियम देखिए और समझाइए, कोई एक बच्चा समझाओ क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, पहला एक्जियम है देखिए। थिंग विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अदर, मतलब इसने बोला है कि जो थिंग इक्वल और सेम है वो ही दूसरे के इक्वल है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू अदर, है ना। अगर कोई चीज मैं कह रहा हूं दो जो है दो के बराबर है, तो जो दो है ये वाला वो दो के बराबर होगा। समझ में आ रही है बात, मतलब x इक्वल टू y होगा तो y इक्वल टू x भी होगा, वेरी गुड। तो उसमें प्रूफ करने से कुछ ही एक्स नहीं। एक्स इक्वल्स टू वाई है तो वाई इक्वल्स टू एक्स होगा, तो इसमें प्रूव करने जैसा कुछ है क्या, ये तो है ना, ऑब्वियस ही बात है, आप सही कह रहे हो, इसमें प्रूव जैसा कुछ करने का है ही नहीं। अगर एक्स जो है वाई के बराबर है तो वाई एक्स के बराबर होगा। अब ध्यान दो, इस चीज को माना गया है, समझ रहे हो, इसको माना गया है कि ये जो है प्रूव करने की, ठीक है, जरूरत नहीं है, ये माना गया है कि ये सत्य है, इसको हमने ऑब्वियस, ठीक है, ये तो ऑब्वियस है, इसको प्रूव करने की जरूरत है ही नहीं। सेकेंड वाला पढ़ के देखिए सर, सेकेंड वाला जो है उसको बताइए क्या लिखा हुआ है, सेकेंड वाला समझाओ। मतलब अगर वो इक्वल चीज, अगर इक्वल चीज में हम ऐड कर गए तो उसका पूरा इक्वल होगा। ठीक है, दो सर इक्वल्स, जैसे बी प्लस वन इज इक्वल वन, एग्जांपल 1 + 1 इज इक्वल 1। वेरी गुड। तो जैसे देखिए दो दिए इक्वल, दो इक्वल्स दिए, ठीक है, टू जो है मान लो, ठीक है, टू जो है वो टू के बराबर है, राइट है। अब इसमें मैं फोर ऐड करता हूँ, ठीक है, ये वाला फोर ये ऐड करता हूँ, ठीक है, ये दो देखिए इक्वल्स दिए हुए हैं आपको। अच्छा, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो क्या आएगा, टू और फोर को सिक्स, और इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो क्या आएगा, ठीक है, ये भी सिक्स आएगा, ठीक है, तो दोनों में छः छः आएगा। तो ये ऑब्वियस चीज़ है ना, इसमें कोई प्रूव करने जैसा चीज़ है क्या, नो सर, है ना, ये ऑब्वियस चीज़ है, तो इसमें नो कुछ सर, प्रूव जैसा करने का तो कुछ है नहीं। तो ये देखिए एग्जाम्पल्स हैं किसके, किसके एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, तो एग्जाम्स की एग्जियम्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। उसी तरह देखिए सेवेंथ वाला भी यही कह रहा है, कोई चीज़ अगर दो बराबर हैं तो उनके हाफ्स भी बराबर होंगे, जो उनका हाफ होगा वो भी बराबर होगा। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, द होल इज गेट ग्रेटर देन द पार्ट। मान लीजिए ये पिज्ज़ा है, ठीक है, अब ये इसका छोटा सा स्लाइस है,
ठीक है, तो ये पूरा उसके पास ये होल जो से है बड़ा बड़ा होगा ना। होगा और जो छोटा जो है ये छोटा माना जाएगा, तो ये एक एक्सियोम है, ये माना गया है। इसी तरह देखिए थर्ड वाला है, तो इसको देखिए समझिए, तो ये सेल्फ एविडेंट ट्रुथ्स हैं। अब आते हैं देखिए पोस्टुलेट्स पे, ठीक है। अभी तक हमने यूक्लिड के एक्सियम्स देखे थे, अब हम क्या देख रहे हैं, पोस्टुलेट्स। ये भी देखो आपको ऑब्वियस सी बात लगेगी, ठीक है, देखने में एकदम ऑब्वियस लगेगा आपको, यार ये ऑब्वियस ही तो है। तो ये देखिए, ये पहला स्टेटमेंट पढ़िए और क्या कह रहा है समझाइए जरा एक बार, पहला स्टेटमेंट पढ़िए और क्या कह रहा है समझाइए, क्या कह रहा है, जल्दी समझाओ। बिल्कुल कार्तिक आपकी आवाज अटक के आ रही है। कोई एक अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो किसी एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट पर वो खत्म कर सकते हैं। देखिए दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन दोनों पॉइंट्स में देखिए हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बस ये कह रहा है। आ स्ट्रेट लाइन में भी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अब ये ऑब्वियस सी चीज़ है ना, आपको मैं कहीं भी दो पॉइंट दे देता हूँ, ठीक है, ये दो पॉइंट दे दिए मैंने, पॉइंट इधर है एक पॉइंट इधर है, ऑब्वियस बात है ना, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करी जा सकती है, करी जा सकती यस सर। है ना, ऑब्वियस सी बात है। अब एक्सियोम देखिए आता है, अगला जो है इसका पार्ट है एक्सियोम, इसको पढ़िए क्या कह रहा है ये। सर कोई अगर दो पॉइंट है तो उसके बीच में एक लाइन जरूर हो सकती है। जरूर हो सकती है, ये पिछले वाले का था, इस वाले का क्या है, इसमें एक वर्ड ऐड हो रहा है देखिए यहाँ पे। हाँ सर इसमें यह है कि अगर हम कोई दो डायरेक्शन लेते हैं वो जुड़ेगी पर एक ही पॉइंट से, एक यूनिक पॉइंट से जुड़ेगी। जैसे सर चौराहा, चौराहे में चार रोड अलग अलग जाती है पर सर बीच नहीं में एक पॉइंट होता है जो उनको नहीं मिलाता है। ये नहीं है इसका मतलब। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देखिए दो डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए हुए हैं, अब इसको जो नीचे वाला डायग्राम है इसको भूल जाओ। अभी हमने जो इससे पिछला वाला चैप्टर है बच्चों किया था, तो उसमें मैंने आपसे एक चीज़ पूछी थी कि मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, कार्टिजन प्लेन में एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से कितनी लाइनें पास हो सकती हैं, इन्फिनिट 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 पास हो इन्फिनिट सकती है ना, इस लाइन से इन्फिनिट पॉइंट हो सकती हैं, ठीक है, ये उसी चैप्टर का पर मैं दो बोल। पॉइंट एक लाइन पास हो सकती है सर। हाँ बट अगर मैं सिर्फ यहाँ पे दो पॉइंट ले दूँ तो उससे कितनी लाइंस पास हो सकती हैं, सर एक वन ही पास होगी, ठीक है, तो यही चीज़ ये बोल रहा है, ये जो वन पास होगी ये यही एग्जाम यही बात बोल रहा है वो। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, एक यूनिक लाइन पास करेगी, यूनिक मतलब एक सिंगल यूनिक वो एक लाइन। ही हो सकती है इसे इसे उसे हाँ यूनिक तो ये लाइन हमने है अभी चैप्टर फोर में ही पढ़ा था, वही चीज़ ओके दिया हुआ है, तो इस चीज़ को आप प्रूव कैसे करोगे भाई, ये ऑब्वियस चीज़ है, माना गया है इसको, ठीक है, ये माना गया है। अच्छा पोस्टुलेट नंबर टू, सेकंड पोस्टुलेट, ये क्या कहता है, क्या कह रहा है पोस्टुलेट नंबर टू। सर। कोई एक टर्मिनेट लाइन है तो हम उसे कितना भी और बढ़ा सकते हैं अगर आगे। ठीक हमने एक लाइन है, ड्रॉ कर दी उसके बिना हाँ पॉइंट देते हैं उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, वो नहीं इसका मतलब ये नहीं है, इन्फिनिट तक डिफ चले जाएगी। कोई भी देखिए जैसे रेड वाला लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, तो ये कह रहा है कि इसको आप खींच के कितना भी लंबा कितना भी बढ़ा सकते हो, वो आपके ऊपर है, अनगिनत तक ले जाना है अनगिनत तक ले जाओ, दोनों तरफ बढ़ा सकते हो, प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, जहाँ तक बढ़ाना है वहाँ तक बढ़ा लो इसको, ठीक है, टर्मिनेटेड लाइन को, ये कह रहा है, ये भी एक ऑब्वियस सी बात है, ये क्या कह रहा है जल्दी बताओ। सर्कल किसी भी सर्कल मतलब किसी भी सेंटर और रेडियस के साथ ड्रॉ किया। वेरी गुड, एक सर्कल आ, सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड रेडियस। यहां पे एक सेंटर ले लो, ठीक है, यहां पे एक सेंटर ले लो, ये रेडियस ले लो इतना, तो आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, बस यही कह रहा है, सिंपल चीज,
कोई भी एक पॉइंट लेना है और एक रेडियस लेना है और आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, बस ये कह रहा है। ठीक है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। सिंपल सी बात है, इसमें कोई ना समझने वाली बात है क्या? कॉमन सेंस है ये। एक सेंटर लूंगा मैं और रेडियस ले लूंगा 10 सेंटीमीटर और बना दूंगा एक सर्कल बड़ा सा। ठीक है, तो बड़ा सर्कल एक बन जाएगा, तो ये भी एक ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, पोस्टुलेट नंबर 4 बताओ क्या कह और रहा राइट है। एंगल इक्वल टू वन। सर इसमें कहा है कि जितने भी राइट एंगल बनते हैं वो मतलब एक दूसरे के इक्वल होते हैं। राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री 90 डिग्री। कह रहा है जितने भी 90 डिग्री राइट एंगल हैं सारे के सारे ठीक है, ये बराबर माने जाएंगे, यानी 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अच्छा, ये तो ऑब्वियस ही बात है ना, इसमें कोई प्रूव करने वाली बात है क्या? ऑब्वियस है ये भी, नहीं है सर। ना? ऑब्वियस वाली बात है भाई, इसमें क्या प्रूव करोगे? अब सबसे मेन पोस्टुलेट आता है, देखिए ये फिफ्थ वाला, कौन समझाएगा? जिसने समझा दिया, ठीक है बताओ भाई क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है ये बताओ दो एक बार। बस समझा दो क्या कह रहा है ये। सर इसमें कह रहा है कि अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन दूसरी स्ट्रेट लाइन पे फॉलिंग कर रही है और एक इंटीरियर एंगल बना रही है सेम साइड का, दोनों साइड जो दो राइट एंगल बनेंगे इस लाइन से वो दोनों राइट एंगल लेस होंगे एक दूसरे से, मतलब कम हो गए, एंड देन द टू स्ट्रेट लाइन और दो जो स्ट्रेट लाइन होगी उनका जो प्रोड्यूस वो प्रोड्यूस होंगे दो स्ट्रेट लाइन वो इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन होगी, मतलब उनको हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, बट मीट ऑन द साइड ऑफ विच द सम ऑफ द एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल। सर इसमें ये भी कहा कि जहाँ पे मीट करेंगे वहाँ पे एंगल राइट एंगल का सम होगा ना वो एक दूसरे से लेस होगा, मतलब दो राइट एंगल का सम लेस होगा। अच्छा, कोई और बच्चा है तो एक बार आसान भाषा में समझा दो एक बार क्या कह रहा है, कोई और बच्चा बोल। लाइन है जो वो भी और सीडी को लाइन फॉल कर रही तो उसके जो अंदर के एंगल लगे जैसे डायग्राम में दिखा है 1 एंड 2 तो उनका सब 180 होगा। अच्छा, कोई और बच्चा, सर दोबारा क्या सर दोबारा ट्राई वो तो दोबारा कहे तो देखिए, सिंपल मैं बताता हूं क्या कह रहा है ये। देखिए, इसको अभी भूल जाओ, इसको मैं उड़ा देता हूं यहां से। देखिए, आपने बढ़िया प्रयास किया सभी ने। देखिए ये कह रहा है, दो लाइंस हैं, ठीक है, ये दो लाइंस हैं और एक तीसरी लाइन है, ट्रांसवर्सल कहते हैं इसको हम, याद आ रहा है कुछ 7th क्लास से, ट्रांसवर्सल लाइन। यस मैम यस सर ठीक है, अब देखिए ये जो एंगल है, ठीक है, तो कह रहा है जिस साइड, ये ट्रांसवर्सल लाइन के, ठीक है, एक साइड अगर इंटीरियर एंगल्स का सम, इन दोनों एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री से लेस होता है, ठीक है, तो ये जो लाइंस हैं, ये वाली लाइंस हैं, ये आगे जाके मीट करती हैं। मीट करना मतलब इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, ये कह रहा है ये। दोबारा सुनिए, दो लाइंस हैं देखिए इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये दो लाइंस हैं देखिए, और ये एक थर्ड वाली ट्रांसवर्सल है, ठीक है, और ये दोनों जो हैं वो इंटीरियर एंगल्स हैं, देखिए इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, दीज टू एंगल्स, ठीक है। तो कह रहा है अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री से लेस होगा तो ये इसी साइड पे आगे जाकर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, मीट करेंगी, ये चीज कह रहा है। अगर ठीक है, इससे हमें क्या समझ में आता है, देखिए इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर आप दो लाइंस ऐसे बनाते हो, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, अगर आप दो लाइंस ऐसे बनाते हो, ये दो लाइनें हैं, पहली लाइन ये, दूसरी लाइन ये, ठीक है, ये दो मैं पैरेलल लाइन बना रहा हूं और ये तीसरी लाइन है, ठीक
ठीक है, तो ये बताओ, आपको याद है ये मैंने आपको कई बार बताया था, 7th क्लास में भी 8th क्लास में भी, तो सर। इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं? तो 180 हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा ये, है क्योंकि वो आगे जाके मिटने होगी वो दो लाइन। ना? तो ये देखिए, कभी कहीं भी जाके मीट नहीं होगी, ठीक है, कभी भी मीट नहीं होगी। अगर ये इन दोनों का सम लेस देन 180 डिग्री होता, जिस साइड भी हो, अगर लेस देन 180 डिग्री है, जैसे ये ऐसे जा रहा है और यहाँ ट्रांसवर्सल बना रहे हो, और इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री से कम है, इन दोनों का सम अगर लेस देन 180 डिग्री है, तो ये इस तरफ आगे जाके कहीं मीट करेंगी, ये चीज ये कह रहा है। अगर सर जैसे दो रोड जाएंगे 180 डिग्री से कम होगा तो वो भी मेट हो गए। आगे जाके मीट हो जाएंगे, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ये यही चीज कह रहा है, ठीक है, अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर आ जाता है, तो ये कभी मीट नहीं करेंगे, दे विल नेवर मीट ईच अदर, इनका ठीक है, पैरेलल हो जाते हैं। तो 180 डिग्री से अगर ज्यादा होगा तो मतलब इसके अदर साइड में मीट करेंगे। जैसे आप देखो ये वाले एंगल्स हैं, इन दोनों का सम करोगे, है ना, इन दोनों का सम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर देन 180 डिग्री आएगा, ये ऑब्वियस सी बात है ना, लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी लगाओ, ठीक है, तो ये हमेशा आएगा। तो यानी इसकी जो अदर साइड होगी वो लेस देन 180 डिग्री होगी, तो इस साइड जाके मीट करेंगे वो, बस ये कह रहा है। तो 5th पोस्टुलेट जो है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना कर लिया हमने, अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या करना है, ठीक है। तो पोस्टुलेट जो है अगली क्लास में फिर डिस्कस करेंगे, अभी आप लोग जा सकते हो, उसको अगली क्लास में फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो ये 5th पोस्टुलेट है, ठीक है, अब आप लोग जा सकते हो, जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई है वो एक बार अपना, बाकी है सर। क्या क्या बाकी है बेटा? सर आपने अटेंडेंस ली? हाँ बेटा, एक बार मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। अच्छा टाइम बाकी है ना? कोई बात नहीं, टाइम बाकी है नहीं है, उसको बाद में देखेंगे। अभी आप लोग फटाफट 9th A वाले, सिर्फ 9th A वाले बच्चे अपना बताओ मेरे को, कौन कौन आया? अदिति बुगड़े आई है क्या? अदिति, यस सर। अदिति आई है, आकांक्षा सांगले, अंकिता मिश्रा, प्रेजेंट सर। अस्मिता कामले, चैताली निमसे, दिव्या पवार, गायत्री गिरी आई है क्या? खुशी सिंह आई है क्या? प्रेजेंट सर। प्रणाली भले राव आई है क्या? रिया मिश्रा, एस लक्ष्या, साक्षी बुराते, प्रेजेंट सर। साक्षी बुराते, यस सर, प्रेजेंट सर। संचिता मोरे, संचिता मोरे, श्रीजा बलवे, प्रेजेंट सर। सृष्टि पोखरियाल, प्रेजेंट सर। वैष्णवी भापकर, प्रेजेंट सर। वैष्णवी पाटिल, वंदना यादव, प्रेजेंट सर। अयाज शेख, अभिनव यादव, आकाश चौहान, आर्यन संसरे, जीत शिंदे, ज्योतिरादित्य निर्मल, कुणाल पवार, प्रेजेंट सर। नीलेश गिरी, प्रेजेंट सर। ओम बेरड, प्रेजेंट सर। ओम पिसाल, प्रेजेंट सर। ओम टकले, पवन लिपने, प्रथमेश पंसरे, SM अभिनंद, सात तंबोली, साहिल वालके, प्रेजेंट। साहिल वालके नहीं आया क्या? नो सर। ठीक है, सौरभ केदारे, सुजल कामले, प्रेजेंट सर। तन्मय डी, प्रेजेंट सर। तनिष्क टाटी, तन्मय सागर,
वैष्णव थोराट। विक्रांत शिंदे। विनय सिंह। चलो बच्चों जा सकते हो आप लोग। जाइए जाइए जल्दी जाइए जल्दी जाइए। बाय सर। ठीक है बाय बच्चों। सर मेरी बाय फ्रेंड सर। एस एम अभिनंदन हो गई आपकी, आप जा सकते हो।